गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 3 एनिमल वर्ल्ड। इन प्रीवियस वीडियो वी रीड अबाउट टाइप्स ऑफ एनिमल्स लाइक पेट एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल, वाटर एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। सम फैक्ट्स, डॉग इज सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल। कुत्ते को सबसे अधिक बुद्धिमान जानवर माना गया है। नेक्स्ट, ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट वॉटर एनिमल ऑन द अर्थ। ब्लू व्हेल को पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर माना गया है। नाउ वी रीड अबाउट यूजफुल एनिमल्स। एनिमल्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। दे प्रोवाइड अस मेनी थिंग्स। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स दे प्रोवाइड अस आर एज फॉलो। एनिमल्स हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। वे हमें कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते हैं। उनमें से कुछ उत्पाद जो हमें प्रदान करते हैं वह इस प्रकार है। एनिमल्स गिव अस मिल्क। जानवर हमें दूध देते हैं। सम एनिमल्स लाइक काउ, गोट एंड बफेलो गिव्स अस मिल्क। कुछ पशु जैसे गाय, बकरी और भैंस हमें दूध देते हैं। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। दूध एक संपूर्ण भोजन है। इट इज गुड फॉर हेल्थ। यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वी यूज मिल्क टू मेनी थिंग्स। हम दूध का उपयोग कई प्रकार की चीजों बनाने के लिए करते हैं। चीज, कर्ड, बटर एंड सोया स्वीट्स आर ऑल मेड ऑफ मिल्क। चीज, पनीर, बटर, पनीर, दही और मक्खन और खोया स्वीट्स, खोए से बहुत सारी मिठाइयां बनाई जाती हैं। ये सब किससे बनते हैं? दूध से। एनिमल्स गिव अस एग्स एंड फ्लैश। पशु हमें अंडे और मांस देते हैं। सम एनिमल्स लाइक हैन एंड डक्स, डक गिव अस एग्स। कुछ पशु जैसे मुर्गियां और बतख अंडे देती हैं। सम ऑफ अस ईट एग्स। हम में से कुछ अंडे खाते हैं। सम एनिमल्स गिव अस फ्लैश और मीट। कुछ जानवर मांस और मीट प्रदान करते हैं। द पीपल हु आर नॉन वेजिटेरियंस कुक एनिमल्स फ्लैश टू ईट। लोग जो मांसाहारी होते हैं वह क्या करते हैं? जानवरों को, जानवर के मांस को पकाकर खाते हैं। दे ईट द फ्लैश ऑफ हैन, गोट, क्रैब, फिश एक्सेट्रा। एनिमल्स गिव अस यूजफुल थिंग्स। पशु हमें उपयोगी चीजें देते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम शीप। शीप, भेड़ से हम ऊन प्राप्त करते हैं। वूल इज यूज्ड टू मेक वूलन क्लॉथ्स। ऊन का उपयोग हम किसमें करते हैं? ऊनी कपड़े बनाने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। इन विंटर वी वियर वूलन क्लॉथ्स। सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स लाइक कैमल्स, काउ, बफेलोज एंड स्नेक्स। हमें ऊंट, गाय, भैंस और स्नेक के मृत जानवरों की त्वचा से क्या मिलता है? लेदर मीन्स चमड़ा। लेदर इज यूज्ड टू मेक शूज, बैग्स, पर्सेस एंड बेल्ट्स। लेदर का उपयोग किसमें किया जाता है? शूज बनाने में, बैग्स, पर्स और बेल्ट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सिल्क वर्म गिव्स अस सिल्क फाइबर विच इज यूज टू मेक सिल्क क्लॉथ्स। सिल्क वर्म मीन्स रेशम कीट। रेशम कीट से हमें सिल्क फाइबर प्राप्त होता है जिसका उपयोग हमें सिल्क के कपड़े, रेशम के कपड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज। हमें
मधुमक्खियों से शहद प्राप्त होता है। वी लाइक टू ईट हनी, हम शहद खाना पसंद करते हैं। इट इज गुड टू टेक हनी इन कफ एंड कोल्ड, सर्दी जुकाम में शहद का उपयोग अच्छा रहता है। द डंग्स ऑफ हॉर्सेस, काउ, कैमल्स, बफेलोस एंड गोट्स आर यूज्ड एज मैन्यूर इन अवर फील्ड्स, हमारे खेतों में घोड़ों, गाय, भैंस और बकरियों के गोबर का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, खाद के रूप में किया जाता है। काउ डंग कैक्स आर यूज्ड एज फ्यूल इन विलेज, गाय के गोबर से जो कंडे बनते हैं उनका उपयोग गांवों में किसके लिए किया जाता है, ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सम एनिमल्स मेक अवर वर्क इजी, कुछ जानवर हमारे काम को आसान बनाते हैं, लाइक एलिफेंट्स, कैमल्स, हॉर्सेस एंड डंकीज कैरी लोड फॉर अस, हाथी, ऊंट, घोड़े और गधे हमारे लिए क्या करते हैं, भार ढोते हैं। ऑक्सन प्लो अवर फील्ड्स, बैल हमारे खेतों की जुताई करते हैं। कैमल्स एंड हॉर्सेस आर आल्सो यूज्ड टू कैरी अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऊंट और घोड़ों का उपयोग हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए भी किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, ऊंट और घोड़ों का। अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, दे आर आल्सो लिविंग बींग्स लाइक अस, हमें जानवरों के प्रति कैसा होना चाहिए, दयालु होना चाहिए क्योंकि वह भी हमारी तरह जीवित प्राणी है। वी शुड नॉट टीज देम, हमें उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, सताना नहीं चाहिए। वी शुड लव एंड टेक केयर ऑफ देम, हमें उन्हें प्यार करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। वी शुड प्रोवाइड देम गुड फूड, क्लीन वॉटर एंड सेफ शेल्टर, हमें उन्हें अच्छा भोजन, स्वच्छ पानी और आश्रय प्रदान करना चाहिए। वी शुड टेक द सिक एनिमल्स टू द डॉक्टर ऑफ एनिमल्स, हमें बीमार जानवरों को जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, रीड दिस चैप्टर अगेन एंड डू एक्सरसाइज डी इन योर नोटबुक। देर आर नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हिडन इन द वर्ड मेज, फाइंड एंड एनसर्कल देम, आपको इसमें से 10 एनिमल्स नेम छुपे हुए उसे ढूंढना है और उसको सर्कल बनाना है। ओके, थैंक यू।